दोस्तों आज भी पंजाब किंग्स बेहद ही बुरी तरह हारी है। पूरे 9 विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद से हार गई है। ऐसे में केएल राहुल का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे सभी चौंक गए। केएल राहुल अपने गेंदबाज को फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं। हैदराबाद के खिलाफ पंजाब के बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा और केवल 120 रन ही बना सकी। हैदराबाद को पंजाब ने 20 ओवर में 121 रनों का टारगेट दिया। ऐसे में पंजाब के कप्तान केएल राहुल अपने गेंदबाजों से कसी हुई गेंदबाजी की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन बेस्टो और वार्नर ने पहले विकेट के लिए 73 रन जोड़ दिए। वार्नर 37 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबाद ने शानदार शुरुआत कर पंजाब के गेंदबाजों को पूरे मैच में दबाव में रखा। यही कारण रहा कि कप्तान राहुल भी मैच के दौरान आपा खोते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर केएल राहुल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पंजाब का कप्तान अपने गेंदबाज अर्शदीप को फटकार लगाते दिख रहा है। दरअसल हैदराबाद की पारी के छठे ओवर में गेंदबाज अर्शदीप से गलती हो गई और फील्ड प्लेसमेंट के उलट लेग स्टंप से बाहर फेंकी, जिस पर केएल राहुल गेंदबाज को फटकार लगाते हुए दिखे। उस समय वार्नर स्ट्राइक पर मौजूद थे। हालांकि कप्तान की फटकार सुनने के बाद अर्शदीप ने अगली गेंद सही दिशा में फेंकी। बता दें कि खुरदरी पिच पर टीम शुरू से ही रन बनाने के लिए जूझ रही थी। अभिषेक शर्मा 2 विकेट और राशिद खान 4 ओवर में 17 रन पर 1 विकेट की फिरकी गेंदबाज का पंजाब के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो वहीं तेज गेंदबाज खलील अहमद ने भी धीमी गेंदों के शानदार मिश्रण से 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए। पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल ने 22, शाहरुख खान 22 और अनुभवी क्रिस गेल सिर्फ 15 रन बनाकर शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। ऐसे में पंजाब किंग्स आज फिर से 9 विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद से हार गई।